और विपिन चंद्र। और अब आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं, वहां से बोलते हुए। तो महान कवि बंकिम चंद्र जी को याद करता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद करता हूं, और इसके साथ साथ हमारे जनसंघ के संस्थापक जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी और भारतीय जनसंघ को स्थापित किया, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे मुखर्जी जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, उनको भी शत शत नमन करता हूं। मित्रों, मैं बंगाल कई बार आया हूं और बंगाल के हमने कई नजारे और कई दृश्य देखे, लेकिन आज का जो मैंने दृश्य देखा है यह दृश्य अभूतपूर्व है। यह दृश्य बंगाल में बदलाव के संकेत दे रहा है, यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में आती है। यहां का मन जो मैंने जोश देखा आज, हमें 3 घंटे लग गए यहां तक पहुंचने में, रास्ते में जो नारे लग रहे थे, जो स्वागत हो रहा था, जिस जोश के साथ लोग अपनी खिड़कियों से, घरों से, छतों से इस मिशन का स्वागत कर रहे थे, वह बदलाव के संकेत देता है। और यह बदलाव के संकेत का संकेत ममता दीदी को भी पहुंच गया है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये जन सैलाब सारे पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग कलकत्ता की सड़कों पर अपने नारों की गूंज से बता रहे हैं कि बंगाल मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, बंगाल सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत करता है, समर्थन करता है। इस बात को हम लोगों ने देखा और देगा भी क्यों नहीं, बंगाल राष्ट्रभक्त है, बंगाल के लोग सांस्कृतिक प्रिय हैं, वो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए संस्कृति की पूजा करते हैं, वो देशभक्त हैं। इस मिट्टी में देशभक्तों को ने जन्मा है, उनको दृष्टि दी है और उन्होंने देश को दृष्टि दी है, ऐसा बंगाल है जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन काल ने इसे काल का ग्रस्त कर दिया, कुछ ऐसे शासन आए जिन्होंने भारत की मिट्टी को पहचाना नहीं, भारत की हवा को पहचाना नहीं, बंगाल की सुगंध को पहचाना नहीं और बंगाल के विरोध में एक पर एक निर्णय लेते चले। आज ये CAA सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में ममता दीदी ने और इनके सारे नेताओं ने देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की, ये नागरिक संशोधन नियम है क्या? आपको जान करके स्पष्ट हो जाएगा कि यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। यह देने वाला है और किसको दे रहा है? हमारे कांग्रेस के लोगों ने एक से एक गलतियां की, देश का विभाजन हुआ, किस आधार पर देश का विभाजन हुआ था? देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया, बहुत बड़ी गलती उस समय हुई थी। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर रातों रात अपना सब कुछ वतन छोड़ करके उनको आना पड़ा। इतनी बड़ी जनसंख्या कभी भी इतिहास में एक देश से दूसरे देश में नहीं आई थी और दूसरे देश से एक देश में नहीं आया था। नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, अपने अपने घरों को छोड़ करके, अपने अपने वतन को छोड़कर जान की को बचाने के लिए चल पड़े थे। और ऐसे में तय हुआ था
जवाहरलाल नेहरू के बीच में और लियाकत अली खान के बीच में, जिसे हम नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं, कि दोनों जगह जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे माइनॉरिटी हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। दोनों जगह उनको हम रक्षा देंगे, उनको हम सुरक्षा देंगे, उनके जीवन यापन का हम ख्याल रखेंगे, उनको आगे बढ़ने में हम मदद करेंगे। लेकिन रास्ते बदल गए। भारत ने तय कर लिया कि हम धर्मनिरपेक्ष देश बनेंगे और हमारा संविधान ने कह दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू रिजॉल्व टू हैव अ रिपब्लिक विच विल बी सेक्युलर इन नेचर। हमने सेक्युलर होने का तय कर लिया, धर्मनिरपेक्ष देश बनने का तय कर लिया। इसलिए हमारे यहां हमारे मुस्लिम भाई जो माइनॉरिटी में थे, हमारे सिख भाई जो माइनॉरिटी में थे, जो पारसी भाई, सबकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भारत की सरकार ने ली। लेकिन पाकिस्तान और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां पर फैसला हो गया कि उनका संविधान इस्लामिक देश होगा, उनका संविधान इस्लामिक होगा, यानी राज्य का धर्म इस्लाम होगा। और वहां पर हमारे लोगों का प्रोटेक्शन मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया वहां प्रोटेक्शन। अगर हम 47 से आज तक की बात करें और 51 से आज तक की बात करें, तो इस देश में हमारे मुस्लिम भाई फले फूले, बढ़े, आगे बढ़े, कई चीफ जस्टिस बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे। हमने उनको बराबर के दर्जे से देखा और उनको बराबरी का सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ने में हमने पूरी मदद की। और ये हमारा धर्म है, भारत की मिट्टी में है, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, सबको आगे बढ़ाना, यही भारत की खूबसूरती है। और ये हमने किया। हमारे यहां मुस्लिम भाई जो 51 में 11% से, वो बढ़कर 14.5% हुए। हमें खुशी हुई क्योंकि हमने उनको बढ़ाया, हमने उनको बराबर का दर्जा दिया, हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसा मैंने बताया, कई राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू सिख की बिरादरी की जनसंख्या उस समय 23% थी 51 में, वो पाकिस्तान में घट करके 3% आ गई, 23 से 3। कहां चलेगा 20%? क्या जवाब देगा पाकिस्तान? क्या लुप्त हो गए? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? कहां चले गए वो? और जो लोग यहां आए, जो लोग यहां पर आए, उनको भारत ने शरण दी। मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी उनके कैंपों में जाइए। हमारे बंगाल में भी लोग आए, मतुआ समाज के लोग आए, हमारे रघुवंशी समाज के लोग आए, हमारे नवशूद्र के समाज के लोग आए, ये सब दलित थे, प्रताड़ना हुई थी, उत्पीड़न में थे। इनको अगर जगह दी तो यहां जगह दी, और आज मोदी जी ने इनको नागरिकता का अधिकार दे दिया, ये बात हमको समझनी चाहिए। बताओ, ये गलत किया है क्या? गलत किया क्या? सही किया कि नहीं किया? उनकी जगह कहां थी? भारत में थी कि नहीं थी? बंगाल में थी कि नहीं थी? मोदी जी ने यही काम किया कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये जितने लोग थे जो वहां से निकाले गए थे, इनको यहां पर शरण देने का काम, और शरण के साथ साथ उनको जीने का अधिकार मिले, नागरिकता मिले, इस बात का उनको अधिकार दिया, ये हम बताना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कितना दर्द होता है। स्कूल में जाए बच्चे तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है सिटीजनशिप का, वो नहीं दे सकते, स्कूल नहीं जा पाते। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं,
पाकिस्तान से लोगों ने एमबीबीएस की डिग्री करके आ गए, उनको निकाल दिया गया, वो भारत में आ गए लेकिन भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ नहीं सकते थे। अब ये CAA पारित करके मोदी जी ने इनका रास्ता साफ कर दिया है। अब ये डॉक्टर प्रैक्टिस भी करेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और भारत की मुख्य धारा में शामिल होंगे। ये परिस्थिति ला चुकी है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, कई लोग चर्चा करते हैं और ममता दीदी खास करके करती है कि इट इज ए डिस्क्वालिफिकेशन, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। अमित शाह जी ने बहुत अच्छे शब्दों में चिदंबरम को, जो बड़े वकील हैं, और कपिल सिब्बल को जब उन्होंने आर्टिकल 14 की चर्चा की तो अमित भाई ने पार्लियामेंट में कहा कि आगे से आर्टिकल 14 की चर्चा CAA के साथ मत करना, नहीं तो तुम्हारी प्रैक्टिस घट जाएगी, तुम्हारी वकालत घट जाएगी कि इसको इतना भी नहीं मालूम कि आर्टिकल 14 क्या करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में, सम परिस्थितियों में समानता के साथ सबका व्यवहार करना, यही उद्देश्य रहता है और इसमें कहीं भी आर्टिकल 14 नहीं आता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और आगे ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं काबुल की बात करूं तो हजारों सिख, एक समय में वहां 50,000 सिख थे, आज 2,000 रह गए। आप बताइए कहां चलेगा, इनको कौन सा बचाव मिलेगा? इनको यही धरती पर बचाव मिलेगा कि नहीं, भारत में बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही बचाव करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से लाया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 26 सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं अगर वहां निवास करना नहीं चाहते। उस स्थिति में उनको नौकरी देना, उनके जीवन को सामान्य बनाना, ये भारत सरकार का कर्तव्य है। ये कर्तव्य गांधी जी ने 1947 26 सितंबर को कहा था, जिसको 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पूरा किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। बताओ कितने साल लग गए गांधी जी की बात। हर जगह कांग्रेसी नेताओं को देखो तो पीछे गांधी जी का फोटो, गांधी जी, गांधी जी, गांधी। एक बात गांधी जी की नहीं माना, एक बात नहीं।